नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, वी लर्न एवरी मोमेंट बट वी इवॉल्व व्हेन वी बिकम अवेयर। बात तो है छोटी लेकिन बहुत ही मोटी मीनिंग्स। लर्न यानी सीखना। बचपन से हम सिर्फ सीखते ही आए हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, मम्मी पापा से हो, फ्रेंड्स से हो, रिलेटिव से हो, दोस्तों से हो, बॉसेस से हो, कॉलिग से हो, ये सब हो से। या ऐसे ही चलते फिरते किसी न किसी जाने अनजाने लोगों से हमें सीख मिलता रहता है। दैट बीइंग द केस, क्या सिर्फ सीखना या लर्न करना सफिशियंट है या और कुछ है? हम एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन क्या हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं? वो इंप्लीमेंटेशन इज द मेन की ऑफ लर्निंग। जैसे कि मान लीजिए कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है या आईआईटी का एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है या IIM के लिए कैट का तैयारी कर रहा है, सीख रहा है, डेली सीख रहा है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एट द एग्जाम हॉल, वेदर ही इज यूजिंग ऑल दोज लर्निंग्स, दैट इज द की। सिमिलर हम लोग बचपन से बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों को हम भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं या साइड में रखते हैं। That is one of the reason कि हम अपना जो ग्रोथ है प्रॉपरली कर नहीं सकते। ग्रोथ कैसे होगा, इवॉल्व कैसे होंगी, जब तक हम उसको उस लर्निंग को हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कार्यकारी नहीं करेंगे, काम में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होने वाला, तब तक हमारा इवोल्यूशन होने वाला नहीं है, तब तक हमारा बेटरमेंट नहीं होने वाला। दैट बीइंग द केस, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? क्या ऐसा कोई एक ऐप हो, मशीन हो या अलर्ट मैकेनिज्म हो, जब भी उस टाइप का उस लर्निंग रिलेटेड कुछ सिचुएशन आए और हमें अलर्ट करके जाए कि अरे हमें तो हमने ये सीखा है तो हमें इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमें वो करना है? कि क्या मार्केट में वैसा कोई ऐप अवेलेबल है? शायद डेट वाइज, टाइम वाइज कुछ हम अलर्ट अपने एप्स में लगा सकते हैं कि फलाना फलाना डेट के फलाना टाइमिंग्स में हमारा एक अपॉइंटमेंट है या हमें एक मीटिंग है या हमें उनको कॉल करना है या हमें उनको रिप्लाई करना है या हमें कुछ उनको बताना है, ना तो हो सकता है। बट व्हाट अबाउट द लर्निंग्स जो हम डे इन एंड डे आउट लर्निंग्स सीखते हैं, उसके बारे में क्या है? सो उसमें हमारा ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, क्यों हमारा इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस द लर्निंग देयर इज ए ह्यूज ह्यूज गैप। हम मान लेते हैं कि 100 चीजें सीखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे क्या हम 10 सीख भी इम्प्लीमेंट करते हैं या 20 सीख भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं? फॉरगेट अबाउट 100%, कभी भी। उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि क्या हम अवेयर है खुद से? जब हम खुद के बारे में खुद से अवेयर हो जाएंगे कि ऐसा एक सिचुएशन हुआ था, उस मोमेंट में हमारा ये अपॉर्चुनिटीज मिला या ये डिस्कम्फर्ट मिला, ये इश्यूज मिले, ये ऐसा ऐसा हुआ है, एंड जैसे ही उस टाइप का कुछ सिचुएशन अराइज होता है, क्या उस मोमेंट में हम अवेयर है कि हाँ वैसा ही एक काम रिपीट हो रहा है? जैसे ही हम अवेयर होंगे तब जाके काम बनेगा, बात बनेगा। क्या है कि लर्निंग हम जो भी सीखते हैं, चाहे वो हम कोई
प्रॉब्लम्स फेस करके सीखते हैं, या कोई आके हमें सिखा के जाते हैं, या हम किताबों से सीखते हैं, या कोई यूट्यूब का लर्निंग्स, बुक्स का लर्निंग्स। जब तक उस सिचुएशन के बारे में हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम उस काम को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो एसी है वो नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक या 24 आवर्स एसी चला के नहीं रहते। क्या करते हैं, जब जब हमें थोड़ा सा गर्मी का डिस्कम्फर्ट होता है, गर्मी का फीलिंग्स होता है, हम अवेयर हो जाते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा गर्मी का महसूस हो रहा है, हम अवेयर हो जाते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एसी का बटन लगा देते हैं, वो चाहे 15 मिनट के लिए चले, 1 घंटे के लिए चले, या 2 घंटे के लिए चले, फिर हम एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उसको फिर बंद कर देते हैं। नॉन स्टॉप हम एसी के अंदर में बैठे नहीं रहते। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है कि अवेयरनेस, क्या मुझे गर्मी लग रहा है या नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि भूख लगना, खाना खाना, जनरली कब खाना है कब नहीं खाना है किसी को हमें अलर्ट बटन या घंटी नहीं बजाना है। हाँ, मम्मी पापा या फैमिली वाले बोलते हैं कि खाने का टाइम हो गया, आ जाओ खाते, वो एक अलर्ट हो गया। अदर देन दैट, अपना पेट ऑटोमेटिक एक घंटी बजाते हैं, हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि अभी हमें भूख लग रहा है। हमारे बॉडी में अब ग्लूकोज का सप्लाई या एनर्जी का सप्लाई कम हो रहा है, दैट मीन द केस अभी अभी हमें अपने बॉडी को खाना देना है। सो दैट अवेयरनेस हमें बोलते हैं कि अभी आपको खाना खाना है। सिमिलरली नींद के बारे में, हम जब काफी टायर्ड हो जाते हैं तो हमारा बॉडी बोलते हैं, किसी को आके अलर्ट करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे बॉडी बोलते हैं दिस इज द टाइम टू टेक रेस्ट। व्हाट इज कमिंग हियर, हियर कमिंग द अवेयरनेस अबाउट अवर सेल्व्स। यानी जो भी हम कुछ सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आ रहा है तो हमें वैसा वैसा काम करना। कैरियर ड्राइविंग, आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, सडनली आगे आप देख रहे हो कि एक यू टर्न आने वाला है, आपने चाहे वो गूगल मैप में देखे हो या कोई इंडिकेशंस देखे हो या आपको पहले से पता है, तो आप ऑटोमेटिक, आपको एक हाथ जो है अकॉर्डिंगली उसका डायरेक्शन ले लेता है, स्पीड को अकॉर्डिंगली मैन्यूवर करते हैं, स्टीयरिंग को अकॉर्डिंगली राइट या लेफ्ट लेते हैं, एंड हम टर्निंग लेते हैं, दैट इज अवेयरनेस। सिमिलरली हमें अगर जो भी कुछ सीखते हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तभी जाके मेन गेम है, तभी जाके हमारा इवोल्यूशन होगा, तभी जाके हम और भी दिन ब दिन बेटर हो पाएंगे। दैट बीइंग द केस, हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें खुद पे अवेयर होना चाहिए, क्या अभी वैसा वो जो लर्निंग रिलेटेड सिचुएशन है, दैट बीइंग द केस हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें काम करना है, अवेयरनेस। सो लर्निंग एवरी मोमेंट नो डाउट हम लोग करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें खुद पे अवेयर होना चाहिए, एंड वो जो अवेयरनेस से हमें इम्प्लीमेंटेशन तक ऑटोमेटिक लेके जाएंगे, देन एंड ओनली देन एक इवोल्यूशन खुद में आएगा। हम लोग फ्रॉम लेवल 1 से लेवल 2 तक जाएंगे, लेवल 2 से लेवल 3 तक जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इवॉल्व आवरसेल्फ। सो आज का ये जो छोटी सी बात है, इट्स अबाउट, नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग सो दैट वी कैन इवॉल्व। बट इम्प्लीमेंटेशन कब आएगा, जब हम खुद पे अवेयर होंगे। सो आज का ये जो छोटी सी बात है, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।